Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. With the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Dear friends, today we will discuss another paragraph on page number 14. The title of the passage is Iqbal's message to youth. Yani naujawanon ko Iqbal ka paigham. So come to page number 14. The first paragraph, the words, the new words that you will come across in the paragraph are here. I discussed with English meaning as well as in Urdu meaning. Try to understand it. Try to pronounce the word again and again so that your pronunciation may improve. So the word that you will come across here, that is explorer. Explorer means one who travels to unknown regions, to unknown places. Ek insan जो कि अनजान जगहों की सैर सियाहत करता है, अनजान जगहों को देखने के लिए जाता है, इन ऑर्डर टू गेट नो अबाउट इट, उनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन मीन्स सियाहत. तो सियाहत मीन्स यानी सियाहत करने वाला, क्या मुतलाशी, तलाश करने वाला, नई नई जगहों को दरियाफ्त करने वाला, एक्सप्लोरर. नाउन फ्रॉम एट दैट इज़ अ एक्सप्लोरेशन, इसे कहते हैं सियाहत. Siyat means the discovery of new places, या the discovery of unknown regions, ऐसी जगह जो आपके लिए अनजान हो, पहले आपने उसके बारे में न सुना हो ना आपने उसको देखा, और आप ऐसी जगह को दरियाफ्त करते हैं, तो मतलब आपने एक्सप्लोरेशन किया. Another word that is adventurer. Adventurer means one who goes on adventures. वो इंसान जो adventures पर जाता है. एडवेंचर क्या होते हैं, यानी मुहिम. जो एडवेंचर इज अ जर्नी विच इज़ फुल ऑफ रिस्क, फुल ऑफ डेंजर्स, यानी वो सफ़र जिसमें खतरात होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे मुश्किलात दरपेश होते हैं, ऐसे सफ़र को हम कहते हैं एडवेंचर, और उस बंदे को कहते हैं एडवेंचरर. अनदर वर्ड दैट इज सीयर. सीयर मीन्स वन हु क्लेम्स दैट ही कैन सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, यानी बसारत रखने वाला एक इंसान जो ये दावा करता है कि मुस्तकबिल में जो चीज़ें रोनमा होने वाली है वो उसको देख सकता है, उसके बारे में वो मतलब कि एक प्रेडिक्शन, एक पेशन गोई कर सकता है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं सीयर, और उर्दू में है बसारत रखने वाला. अगला वर्ड है अनचार्टेड. अनचार्टेड मीन्स दैट हैज़ नॉट बीन विजिटेड और इन्वेस्टिगेटेड. ऐसी कोई भी जगह या ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई मतलब विजिट तो उन जगहों की जाती है, ऐसी जगह जहाँ पर आप न पहले कभी गए हो और ना आपने उसके बारे में कुछ मालूमात हासिल की हो, इन्हें हम कह सकते हैं नामालूम, अनजान, नामालूम जहाँ पर आप नहीं गए, अनचार्टेड. याद रखिएगा कि व्हेन रा इज फॉलोड बाई कंसोनेंट सो दिस रा विल नेवर बी प्रोनाउंस्ड. अनचार्टेड नहीं है बेटा, अनचार्टेड. रा इज साइलेंट हियर. और इट इज़ अ सीयर. सीयर सीयर भी नहीं है. और ब्रिटिश का ये एक ब्रिटिश जो प्रोनंसिएशन है उसका रोल है कि दो रा दैट अकर्स एट द एंड इट विल नॉट बी प्रोनाउंस्ड. आखिर में जो रा आता है उसको भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता, और जब रा के बाद आता है कंसोनेंट यानी टा, टा साउंड इज कंसोनेंट, सो दिस रा विल नेवर बी प्रोनाउंस्ड. अच्छा बेटा अगला वर्ड है इंटेलेक्चुअल परसूट. ए परसूट मैंने परसून है परसूट. Why? Because ra is followed by consonant. Intellectual pursuit means search of knowledge. Ilm ki talash. Ilm ki talash. Intellectual. Intellectual means danishmandana, which is connected to the mind. तो जब कोई चीज़ हम मतलब ये कि ऐसी चीज़ की तलाश करते हैं जो हमारे intellect को, हमारे wisdom को, हमारे जो मतलब knowledge है उसको, हमारे जो wisdom को improve करती है, तो वो definitely knowledge है. What sort of things improves our mentality, improves our wisdom? That is knowledge. जो चीज़ हमारे जहन को क्या करती है उसको मतलब ये कि उसको दानिशमंदाना करती है, उसको मजबूत करती है, वो इलम है. अगला वर्ड है dynamic. Dynamic means having a lot of energy. ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा energy होती है, एक ये है. दूसरा changing progressively, जो अमूमन तब्दील होता रहता है, इसका अपोजिट है स्टैटिक, साकिन.
जो कि चेंज नहीं होता। सेकंड एंड डायनेमिक, मुतगैर, मुहर्रिक भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर विनिंग होगा डायनेमिक एनर्जी, यानी एक मुहर्रिक तवानाई। सबड्यू, सबड्यू मीन्स टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, किसी चीज़ को काबू करना, यानी हम कह सकते हैं मुसख़र करना। बाय नॉलेज वी कैन सबड्यू द होल यूनिवर्स, इलम की बदौलत हम तमाम कायनात को मुसख़र कर सकते हैं, तमाम कायनात पर हम काबू पा सकते हैं। अगला वर्ड है इन्फिनिटली, मीन एक्सट्रीमली, टू मच, इंतहाई, बहुत ज़्यादा। एंड द लास्ट वर्ड सगेसिटी, सगेसिटी मीन विजडम, विजडम मीन अंडरस्टैंडिंग, अकलमंदी, समझ, होशियारी, सगेसिटी, अकलमंदी, होशियारी। सो दीज आर द वर्ड्स दैट यू विल कम अक्रॉस इन द पैराग्राफ दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे। सो नाउ डियर स्टूडेंट, कम ऑन पेज नंबर 14 एंड जस्ट लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ। इकबाल नौजवान इज मर्द मोमिन, मुजाहिद, शाहीन, एन एक्सप्लोरर, एन एडवेंचरर, एन सीयर। इकबाल के नौजवान मर्द मोमिन, मुजाहिद, शाहीन, हकायक के मुतलाशी, मुहिम जो और बसारत रखने वाला है। इकबाल का जो नौजवान है वो मर्द मोमिन, शाहीन, हकायक का मुतलाशी, मुहिम जो और बसारत रखने वाला है। हुज एम इज गोइंग हायर इन डीपर लाइक ईगल, शाहीन, टू एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड्स इन अनचार्टेड वाटर ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल परसूट। हुज एम इज गोइंग हायर एंड डीपर लाइक ईगल, जिसका मकसद वो मंजिल शाहीन की तरह बुलंदियों और गहराइयों तक पहुंचना है, जिसकी ज़िंदगी का मकसद शाहीन की तरह बुलंदियों और गहराइयों तक पहुंचना है। कहाँ पर, किस लिए? टू एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड्स एंड अनचार्टेड वाटर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल परसूट, ताकि वो तख्लीक और इल्मी तलाश के नामालूम समंदरों में नई दुनिया तलाश करे। दोबारा सुने सारा। इकबाल का नौजवान मर्द मोमिन, मुजाहिद, शाहीन, हकायक का मुतलाशी, मुहिम जो और बसारत रखने वाला है, जिसका मकसद शाहीन की तरह बुलंदियों और गहराइयों तक पहुंचना है, ताकि वो तख्लीक और इल्मी तलाश के नामालूम समंदरों में नई दुनिया तलाश करे। The youth of Iqbal is a strong believer in ishq. Iqbal ka naujawan ishq par pukhta yaqeen ya pukhta iman rakhne wala hai. A creative and dynamic energy that helps the youth to discover and subdue the new stars of originality and individuality. Originality means the state of being original. यानी जिस जो असल होता है, यानी जिसमें असलियत होती है, असलियत। इंडिविजुअलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बींग इंडिविजुअल, यानी इनफरादियत। तो देखिए बेटा, द यूथ ऑफ इकबाल इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन इश्क। इकबाल का शाहीन या इकबाल का नौजवान वो इश्क पर पुख्ता यकीन रखने वाला है। अब ये इश्क की तारीफ करते हैं, अ क्रिएटिव एंड डायनेमिक एनर्जी, जो कि एक तख्लीकी और एक मुहर्रिक तवानाई है। ये इश्क जो है ये एक तख्लीकी और एक मुहर्रिक तवानाई है। दैट हेल्प्स द यूथ टू डिस्कवर एंड सबड्यू न्यू स्टार्स ऑफ ओरिजिनलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, जो कि असलियत और इनफरादियत की नए तारों को दरियाफ्त करने और उनको काबू में लाने में नौजवान की मदद करता है। अब ये मुहर्रिक तवानाई जो है या तख्लीकी तवानाई जो इश्क की, ये क्या करती है, जो कि असलियत और इनफरादियत के नए तारों को दरियाफ्त करने और उनको काबू में, यानी उनको मुसख़र करने में नौजवान की मदद करते हैं। मोरओवर इकबाल नौजवान इज़ अ मैन ऑफ खुदी। मजीद या अलावा अजीम, इकबाल का नौजवान खुदी का मालिक है। अ
अब ये खुद ही क्या है, वो खुद इकबाल उसको एक्सप्रेस करते हैं. द एब्सोल्यूट खुदी एज इनफिनिटली क्रिएटिव, इनफिनिटली में एक्सट्रीमली, जैसे मैंने बताया, और मुकम्मल. ये जो मुकम्मल खुदी जो है वो बी इंतहा तख्लीकी है. एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स परफेक्ट, जो परफेक्ट, जो कि मुकम्मल खुदी जो है वो क्या है, वो बी इंतहा तख्लीकी है. न्यू दाई सेल्फ एंड सक्सेस शल बी दाइन, अपनी मारिफत हासिल करो, यानी अपने आप को पहचानो और कामयाबी तुम्हारे कदम छूमेगी. अपने आप को पहचानो, अपनी मारिफत हासिल करो तो कामयाबी तुम्हारे कदम छूमेगी. इकबाल एक्सप्रेसेस ए मैन बिकम्स एम्परर ऑफ हिमसेल्फ. एम्परर मीन्स शहनशाह, बादशाह, किंग. इकबाल फरमाते हैं अगर इंसान अपना आका बन जाए, अपने मतलब अपने अपने ऊपर मतलब क्या बन जाए, एक हुक्मरान बन जाए, अपना मालिक, अपना आका बन जाए, देन ही कैन लीड द वर्ल्ड इन हिज ओन डायरेक्शन, तो फिर वो पूरी दुनिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकता है. पूरी दुनिया को अपने मर्ज़ी के मुताबिक वो चला सकता है. एंड सच अ पर्सन कैन फाइंड आउट विद हिज सगेसिटी द फुल ऑफ फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशन. पर मीन्स इट इज़ अ प्रेशियस स्टोन, एक कीमती पत्थर होता है, जिसे हम कहते हैं मोती, समंदर के तह में जो पाया जाता है, जो शेल क्या होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के, जो मेरे ख्याल में वो होल होते हैं उसमें अंदर पाया जाता है. एंड सच अ पर्सन कैन फाइंड आउट विद हिज सगेसिटी द फुल ऑफ फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशन. और ऐसे शख्स अपने शऊर और अकल की बदौलत आइंदा की नस्लों के लिए मुस्तकबिल की मोती तलाश कर सकता है. और ये ऐसे इंसान होते हैं जिसमें खुदी होती है, जिसमें इश्क होता है. तो इकबाल फरमाते हैं कि और ऐसा शख्स अपने शऊर और अकल, अपने अकलमंदी के बलबूते पर आइंदा की नस्लों के लिए मुस्तकबिल की मोती तलाश कर सकता है. वही है साहिब अमरो जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गौहर फरदा. मतलब है कि आज अमरोज में, आज का दिन, आज के दिन में वो शख्स बाहिम्मत है, वो जुरातमंद है, जो कि अपनी ही हिम्मत से, अपनी ही अकलमंदी से क्या करे, समंदर से नायाब मोती जो है वो हासिल करे. मतलब ये कि दूसरों के लिए जो फ़ायदे का बायस बने, यानी आज के दौर में वो शख्स नायाब है जो कि अपने शऊर, अपने अकल का इस्तेमाल करे, ताकि उसके शऊर और उसके अकल से आइंदा की नस्लें भी फ़ायदेमंद हों और वो उसकी इस्तिफादा हासिल कर सके. सो दिस वॉज अ पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 14. सो द वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इंग्लिश मीनिंग देन उर्दू मीनिंग. पहले आपने इंग्लिश मीनिंग को समझना होगा, फिर उर्दू मीनिंग को समझना होगा, देन यू शुड राइट डाउन दीज वर्ड्स इन योर कॉपी बुक्स अलॉन्ग विद उर्दू ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के साथ उसको लिखे, उसको बार बार रिपीट करें और फिर ट्रांसलेशन को भी पढ़े, बिकॉज ट्रांसलेशन क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड पेपर. बोर्ड के पेपर में ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है एंड इट कैरीज 8 मार्क्स, और इसके 8 मार्क्स होते हैं. सो दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ट्राई योर बेस्ट. इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी सो जस्ट वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड स्टिल इफ देयर इज स्टिल सम एम्बिग्विटी सो देन यू कैन व्हाट्सएप मी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.